प्रिंस जी आज क्या कुछ खास है कि हम लोग यहाँ स्विमिंग पूल में इकट्ठे हुए हैं? आज पाई जी का जो सीरियल है अपना G5 का बंधन टूटे ना, उसका 150 एपिसोड पूरा हुआ है, तो पाई जी को शुभकामनाएं और बधाई देना। तो सही बात है ना, बंधन कभी टूटना नहीं चाहिए। हाँ, और खास करके प्रिंस और पायस का है, पी से प्रिंस और पी से पायस। पायस जी हमारे साथ में देखिए प्रिंस भाई हैं और पीछे स्विमिंग पूल है, जरा बताइए सबसे पहले लोकेशन कौन सा है? ये लोकेशन है फ्यूचर स्टूडियो गोरेगांव ईस्ट, ये आपको पकड़ना है। अच्छा, इसको पकड़ना है। और स्विमिंग पूल खास जगह हम लोगों ने इसलिए चुना है कि जो इंटरव्यू ले रहे हैं उनका फेवरेट प्लेस है, उनको बहुत पसंद है स्विमिंग पूल। तो मैंने तो ये एपिसोड इतना खास क्यों रहा आपके लिए, बताएं? एपिसोड खास नहीं, ये बंधन ही है। इट्स बीन वन ईयर नाउ, एक साल हो गया फ्यूचर स्टूडियो में मुझे शूट करते हुए। और जब मैंने ये शो शुरुआत किया था, साइन किया, तो मुझे नहीं लगा था ये दौर इतना लंबा इतना अच्छा बीतेगा। तो ये 150 एपिसोड पूरे हो गए हैं। मेरा पहला भोजपुरी शो था ये, जो अब हिंदी हो गया। मैंने सोचा नहीं था इतने आसानी से इतने जल्दी ये सफर तय होगा। पहला ऐसा शो है जो भोजपुरी शूट हुआ फिर हिंदी हो गया। हाँ। तो इसके बारे में और बताएं, कौन से आपके साथ स्टार कास्ट हैं, डायरेक्टर कौन है? इसके डायरेक्टर है विजय सर, तो बहुत ही अच्छे हैं, टीवी के बहुत जाने माने डायरेक्टर माने जाते हैं। और एक्टर है सीमा पांडे, शिवम, फलक, गुंजन और मैं और रुद्र, काफ़ी कैरेक्टर। अभी इस फिल्म में है, अभी इस टीवी शो में है। इन्हीं पे शो चल रही है, जाग जाइए। अच्छा, मुझे इनका मुझे एक एक्चुअली लगा मुझे डुप्लीकेट कोई नीचे खड़ी, शायद वो है। आप स्विमिंग पूल से बाहर कब निकलेंगे संजय जी? तो कल आप लोगों ने सेलिब्रेट किया, कैसा रहा कल का दिन आपके लिए? कल का बहुत ही हेक्टिक दिन रहा, क्योंकि हम 10:30 तक शूट किए, क्योंकि हमें फुटेज निकालना था 30 मिनट का। तो हम लोगों ने 10:30 तक शूट किया, उसके बाद हम लोगों ने केक कटिंग की, उसके बाद हमने डिनर का हमारे प्रोड्यूसर ने प्लान किया, जो मैं नहीं अटेंड कर पाई क्योंकि मेरा सुबह 8:30 का कॉल टाइम है। काम मेरी फर्स्ट प्रायोरिटी रहती है हमेशा, और सब मुझे जानते हैं कि मैं काम के लिए बहुत ज़्यादा सीरियस रहती हूँ, इसलिए मैंने डिनर स्किप कर दिया और बहुत अच्छा था। अब इस सीरियल में हमारे बहुत सीनियर आर्टिस्ट भी हैं जो अभी पास में ही है। मैं चाहता हूँ सीनियर आर्टिस्ट को। संजय श्रीवास्तव जी, कैसे हैं आप? आज बंधन टूटे ना के सेट पर हैं, क्या कुछ इन लोग बधाई देंगे, इन लोग कैसा लगा आपको सो बताइए? पायस जी का और सर को, पायस जी को और अपने उदय भैया को तो मैं बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ, साथ ही प्रिंस भैया को भी देता हूँ। और मैं अभी प्रिंस भैया ने कुछ कहा कि हम लोग कुछ साथ में करना चाहते हैं, तो हो सकता है कि शुरुआत आप तीनों को लेकर मैं ही शुरू कर दूँ। इस शो के बारे में कुछ खास बताना चाहेंगे? बस इस शो तो बहुत ज़्यादा मैं देख नहीं पाता हूँ, बस सुनने में कि अच्छा चल रहा है। नहीं, महिलाएं देखती हैं इसको, जो है हमारे घर की। तो क्या कुछ शुभकामनाएं देना चाहेंगे अपनी तरफ से? बहुत बहुत शुभकामनाएं। सर क्या कहेंगे आप शो के बारे में कुछ? बस ये कहूँगा कि अभी तक भोजपुरी मिठास के लिए जानी जाती है, बीच में लोग आइटम सॉन्ग के लिए जानने लगे थे। मेरी इच्छा है और हमारे ऑडियंस की भी इच्छा है कि भोजपुरी मिठास के लिए जानी जाती है और मिठास के लिए जानी जाए, अश्लीलता समाप्त होनी चाहिए। और ये अश्लीलता, हम लोग फिल्म वाले बदनाम होते हैं लेकिन ये एल्बम से शुरू होता है, तो प्लीज़ प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं, जहाँ ये एल्बम बिहार में और उत्तर प्रदेश में बनता है, वहाँ से इसको अंकुश लगनी चाहिए। जो टैलेंटेड लोग हैं वो अच्छे काम करके भी आगे आ सकते हैं। ठीक है, मुझे कोई बहुत बड़ा अवार्ड नहीं मिला भोजपुरी से, लेकिन मैं भोजपुरी की सेवा तो कर ही रहा हूँ ना, तो इसलिए हम पायस जी और हम दोनों मिल करके इस बात को कहेंगे कि भोजपुरी से अश्लीलता मिटनी चाहिए, जरूर मिलनी चाहिए। थैंक यू, थैंक यू।